एक मार्क दो मार्क के अंदर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज या टर्मिनल वैल्यूज का मीनिंग पूछ लिया जाता है या कभी कभी जस्ट अ डिफरेंस पूछ लिया जाता है दोनों के बीच में कई बार चार मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछ लाते हैं या फिर सात मार्क या दस मार्क्स के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Value मेरे के के लिए खास नोट, अगर आप की टेक्स्ट बुक हमारी क्या है उसको देखते हैं नाउ रॉकिच वैल्यू सर्वे इज अर्वे विच वॉज क्रिएटेड बाई मिल्टन रॉकिच मिल्टन रॉकिज करके एक बिहेवियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सर्वे uh, किया, किया था रिसर्च किया था जिसके बेसिस पे ही लॉट ऑफ पीपल जिसके वैल्यूज़। उन्होंने देखा मोटे मोटे तौर पे इंसानों के अंदर लोगों के अंदर दो तरह के वैल्यूज होते हैं फर्स्ट इज टर्मिनल वैल्यूज सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज दो मिनट में आपको समझाता हूँ टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होते हैं बट एक बात इस सर्वे में से निकल के आई कि ईच सेट 18 items, मतलब 18 18 इंडिविजुअल वैल्यू आइटम्स मतलब टर्मिनल वैल्यूज वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल एक इंसान की निकलती है जिससे आपका होल ऑफ जो आपका कैरेक्टर पर्सनालिटी जो बनता है वो इन वैल्यूज से कहीं ना कहीं बनता है चलिए तो बात करते हैं टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की जैसे मैंने कहा कई बार आपको एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है डिफाइंड टर्मिनल वैल्यूज और डिफाइंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ध्यान से सी टर्मिनल वैल्यूज जैसे कि नाम बता रहा है तो टर्मिनल वैल्यूज इज नाग वैल्यूज इंडिकलीफ अचीव ड्यूरिंग अपने जीवन में आपका जीवन जब खत्म होगा या आपकी लाइफ टाइम के अंदर आप क्या चीजें फाइनली अचीव करना चाहते हो आपकी बिग पिक्चर ऑफ लाइफ क्या है फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रोस्पैरिटी इन इकोनॉमिक सक्सेस अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे हाउ विल यू नो दैट यू लिव अ वेरी गुड लाइफ या आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सब किस चीज को वैल्यू करते हैं तो बोलेंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए मैं इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होना चाहिए अंडर थर्टी या फिर के अंदर मेरा होना चाहिए टॉप हंड्रेड मिलियनियस बिलियनियस में मेरा नाम होना चाहिए तो दे वैल्यू इकोनॉमिक सक्सेस द मोस्ट कुछ लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है freedom. के मैं एक आजाद जिंदगी जी अपने टर्म्स पे जी आजाद जिंदगी जी कई लोग हेल्थ फिटनेस मेंटल वेलबींग इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारा जैसा भी जीवन हो एक अच्छा जीवन हो हेल्दी जीवन हो खुश जीवन हो कुछ लोग दे स्ट्राइव टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस तो ये चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर एटलीस्ट हम एक पीसफुल माहौल बना सके हम वी कैन बी मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड टू द सोसाइटी अराउंड अस सम पीपल दे स्ट्राइव टूवर्ड्स फेम उनको सोशल रिकोगनाइजेशन चाहिए उनको ये चाहिए कि भाई

वैल्यूज आर द प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर बिहेवियर आपको आपको किस किस तरह तरह से से अपना एक रखना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप अपना टर्मिनल वैल्यू अचीव कर सके नाउ फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम देख लेते हैं जैसे फॉर एक्साम्पल सेल्फ इंप्रूवमेंट के मैं सारा टाइम सीखता रहूं सारा टाइम लर्न करता रहूं मैं हर हर साल एक नई चीज सीखूं या मैं हर वक्त ज्ञान लेता रहूं हर हर समय अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं कई लोगों की ये वैल्यू uh, होती है

तो ऑब्वियसली अगर मैं चाहता हूँ फ्रीडम और मैं लोगों पे डिपेंडेंट होकर कि भाई मुझे हर चीज में मम्मी पापा मदद कर दे या मेरे दोस्त मदद करते हैं मेरे भाई बहन मदद कर दे तो फिर हाउ विल आई अचीव फ्रीडम फ्रीडम के लिए आपको ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस चाहिए तो आप खुद पे डिसिप्लिन करना चाहेंगे तो ये एक एक्जाम्पल है या फिर अगर आप बोलते हैं कि मुझे प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए मुझे बहुत पैसा चाहिए मैं चाहता हूं कि इस जीवन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के जाऊं तो आपको उसके हिसाब से हार्डवर्क करना पड़ेगा

तो फॉर एग्जाम्पल इफ योर टर्मिनल वैल्यूज कैन बी टू लिव अ कम्फर्टेबल लाइफ और एन एक्साइटिंग लाइफ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अ वर्ल्ड पीस इक्वालिटी फैमिली सिक्योरिटी तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है ये ऐसे मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग नहीं है ऐसा नहीं है कि करेजेस इक्वालिटी साथ में ये सब इनको लोगों ने खाली लिस्ट किया हुआ नाउ चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को फैमिली सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि मेरी फैमिली सेफ और सिक्योर होनी चाहिए मॉनिटरिकली uh, फाइनेंशियली एकदम सिक्योरिटी मेरी फैमिली में होनी चाहिए तो यू हैव गॉट टू बी हार्ड वर्किंग यू हैव गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल यू हैव गॉट टू बी केपेबल आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा सो दैट आप काम आप अर्न कर सके If आपकी वैल्यू है कि देर शुड बी मेच्योर लव आप चाहते हैं कि लोग आप, आप लोगों के साथ एक मेचोरिटी के साथ बिहेव करें तो तो यू 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 टू 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 बी 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 ब्रॉड माइंडेड हेल्पफुल ये सब जो चीजें हैं ये कहीं कही ना कहीं एक साथ मिलती हैं तो आपको टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा अदरवाइज आप अच्छे से अच्छा ख्वाब देख सकते हैं अच्छे से अच्छी चीज सोच सकते हैं बट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट इफ यू डू नॉट पोजेस दी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ठीक है तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आई होप आपको समझ में आ गया होगा बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इज आई समय है अगर आप तक अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक like बटन दबा देंगे तो थोड़ा सा ईगो बूस्ट होता है देखता हूं जब 20 30 50 लाइक like ऐसे दिखते हैं तो थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है कि जो काम कर रहा हूं मेहनत रंग ला रही है और इन दोनों चीजों से भी ज्यादा मेरे वीडियो को जितने ज्यादा दोस्तों के साथ अपने अपने कलीग्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ, साथ शेयर कीजिए मेरा गोल बहुत सिंपल है आई जस्ट वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर पीपल टू लर्न फ्रॉम माई नॉलेज मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ लोग उससे सीखें एंड आई आई अच्छा लगता है जब देखता हूँ कि सो मेनी पीपल है वीडियोज तो लगता है कि आई एम मेकिंग अ डिफरेंस सो जस्ट आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जो भी करते हैं कमेंट देना चाहते हैं कुछ बात आपको मुझे पूछनी है कोई कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट इट विल बी आई प्लेजर टू इंटरक्ट विद यू सो थैंक यू थैंक यू फॉर स्टेकिंग टिल एंड एंड नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक शुरू करते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग विद द ग्रम्पी प्रोफेसर बाय